नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं न्यू सेज न्यू अपडेट के बारे में। हाँ दोस्तों, न्यू सेज बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। बहुत सारे यूजर्स ये कमेंट कर रहे हैं कि सर, क्या न्यू सेज जो है स्कैम है। न्यू सेज का जो टोकन दोस्तों है, बहुत सारे यूजर्स क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर न्यू सेज टोकन जो है क्लेम किया है, ठीक है ना। और ऑलरेडी जो है आप देखिएगा, ठीक है, 10 आवर 35 मिनट के बाद दोबारा फिर हम यहाँ पे इसको क्लेम करेंगे। ये जान लीजिए कि ये न्यूसेज का टोकन ऑलरेडी क्लेमिंग कर रहा है और अच्छी तरीके से क्लेम कर रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स क्लेम भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग का क्लेम इसलिए नहीं कर रहा है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, या फिर एक दो बार आप ट्राई करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि ये काम नहीं करता है, ठीक है, ये बटन नहीं काम करती है, इसलिए इस तरीके से ना वर्क कर रहा हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, क्लेम नाउ, आप जाइए, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि सेज टोकन की लिस्टिंग कब तक होगी? क्या सेज टोकन आपका शैडो स्वैप पे लिस्ट होगा? तो दोस्तों आप बता दें यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो रिवार्ड है ना दोस्तों, 14,000 कोर है रिवार्ड, ठीक है ना। तो ऐसा अनुमान है दोस्तों कि अगर यहाँ पे 20,000 फिर से रिवार्ड पूल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 20,000 हो जाएगा दोस्तों, या फिर ठीक है थोड़ा सा और रिवार्ड बढ़ जाएगा, तब जो है सेज टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाएगी ना, तो इसलिए जो है कहा जा रहा है कि तभी जो है वहाँ पे जो सेज टोकन है उसका जो है प्राइस थोड़ा सा अधिक रहने वाला है, ठीक ना। अगर मान लीजिए ऐसा कर दिया जाएगा, लोग टोकन को डंप कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिक्विडिटी पूरी चली जाएगी और उसका प्राइस जो है बहुत डाउन चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों अभी यहाँ पे इसकी लिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में श्योर है दोस्तों कि ये आपका लिस्ट होगा। अभी केवल आपको करना क्या है, केवल आपको ज्वाइन करना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से आपको इसको ज्वाइन करना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है ना, सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी केवल 12.6 कोर की, ठीक है ना। 12.6 कोर अगर आपके पास हैं तो आप न्यू सेज को आप, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली दोस्तों करना क्या होगा, आपको 159 हमारा रिफरल कोड है, इसको आपको एंट्री करना पड़ेगा। उसको एंट्री करने के बाद, ठीक है ना, आप आराम से 12.6 कोर रजिस्ट्रेशन फीस दे के ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और आप यहाँ पे लगातार न्यू सेज टोकन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आप भी डेली क्लेम कर सकते हो। हो सकता है आपका न्यू सेज टोकन कुछ क्लेमिंग कम हो, ठीक है, या फिर कम अमाउंट में हो, लेकिन जैसे जैसे आप अधिक अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को रिफर करोगे दोस्तों, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को रिफर करोगे, तो आपका ये टोकन जो है, ठीक है ना, और भी बढ़ता चला जाएगा। और हाँ, जो सेज टोकन होगा दोस्तों ना, वो आई थिंक जो है 10 to 20 रुपीज़ का होगा, ठीक है, 10 to 20 रुपीज़ का दोस्तों ये होने वाला है, ठीक है, 10 से 20 रुपये में दोस्तों ये हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना आप डेली यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे अपना, ठीक ना, देख सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, हमारे हिसाब से हमें चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो है $0.5 का हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग शुरुआत में, हाँ, टोकन जो है बहुत कम है, लिमिटेड नंबर्स में दोस्तों, 33 मिलियन टोटल सप्लाई है, इसलिए 0.5 भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसलिए दोस्तों आप लोग न्यू सेज को ज्वाइन करिए और लगातार यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन करते रहिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को रिफर करिए और अर्निंग करते रहिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।